आपका नौवें दिन का मेडिटेशन, भीतरी बच्चे को प्रेम करना। बीते समय में वापस जाएं, स्वयं को 5 वर्ष के बच्चे के रूप में देखें। यस, यू आर 5 ईयर्स ओल्ड। इस बच्चे के आगे हाथ बढ़ाएं और कहें, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, आई एम योर फ्यूचर, और मैं तुमसे प्रेम करने आया हूँ, प्यार करने आया हूँ। प्रेम से इस बच्चे को गले लगाएं और अपने साथ वर्तमान में लाएं। अपने बच्चे को प्रेजेंट में लेकर आए, दोनों को एक साथ आईने के सामने खड़े होकर प्रेम से एक दूसरे को देखते हुए देखें। और जब आप वहां खड़े हों तो इस बात से अवगत हो जाएं कि आपके ऐसे कितने हिस्से हैं जो वहाँ मौजूद नहीं हैं। अब और पीछे के समय में जाएं, उस पल में जब आपका जन्म हुआ था। You were born. आप अभी अभी माँ के गर्भ से बाहर आए हैं। शायद वह एक मुश्किल यात्रा रही होगी। आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं। और तेज प्रकाश देख रहे हैं। और शायद किसी ने आपको अभी अभी थप्पड़ मारा है। आप दुनिया में आ गए हैं। आप यहाँ एक पूरा जीवन जीने के लिए आए हैं। उस नन्हे से बच्चे को प्रेम करें, उस बच्चे को प्यार करें। टाइम को फॉरवर्ड करें, उस पल में आए जब आपने चलना शुरू किया था। आप खड़े होते थे और गिर जाते थे, फिर खड़े होते, फिर गिर जाते, खड़े होते, गिर जाते, और फिर अचानक आप खड़े थे और आपने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम, और आप चल रहे थे। आपको स्वयं पर कितना गर्व हुआ था, आप चल सकते थे। उस छोटे बच्चे को प्रेम करें, प्यार करें। थोड़ा और फॉरवर्ड करें, अपने स्कूल के पहले दिन में आए, जब आप अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहते थे पर आपने छोड़ा। स्कूल में गए, आपको डर लग रहा था पर आपने स्टेप्स लिए, आगे बढ़े। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया। उस बच्चे को प्यार करें, प्रेम करें।
क्योंकि माँ से दूर दुनिया के बीच स्कूल में वही बच्चा आपको लेकर गया था। अब 10 वर्ष की उम्र में अपने जीवन को याद करें और उन सब चीज़ों को भी जो उस समय हो रही थी। शायद वह समय बहुत अच्छा था, शायद बहुत मुश्किल था। आपने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की और सफल रहे। यू आर सक्सेसफुल। उस बच्चे को प्यार करें, उसे प्रेम करें। अब उस समय की ओर बढ़ें जब आप यंग एज में आ चुके थे, यौवनावस्था, और उस समय की सब बातें याद करें। वह समय रोमांचक था, डरावना था, और शायद उसे संभालना आपके लिए मुश्किल था, लेकिन आपने उसे संभाल लिया। आप जितना अच्छा कर सकते थे आपने किया और आप सफल रहे। उस यंग एडल्ट को प्रेम करें, उस व्यक्ति को प्रेम करें, बस उसे प्रेम करें। और अब वह समय याद करें जब पहली बार आपका प्रेम अस्वीकार हुआ था। आपके दिल में इतना दर्द हुआ था कि आपको विश्वास हो गया था अब कभी कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा। आप बहुत तकलीफ में थे, दर्द में थे, आपने सब कुछ किया, खुद को बाहर निकालने के लिए सब किया और आप सफल रहे। अब उस व्यक्ति को प्रेम करें, वो जीता हुआ था, उसे प्रेम करें। अब अपने जीवन के एक और मील के पत्थर पर जाएं। वह आपके लिए शर्मनाक था या अद्भुत या दुखद, कुछ भी हो सकता है। जैसा भी था, आपने उस समय अपनी समझ, बुद्धि और जागरूकता के साथ वह सब किया। इसलिए उस व्यक्ति को प्रेम करें, उसे खूब सारा प्रेम करें। अब अपने सब हिस्सों को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके आगे प्रेजेंट में ले आए, वर्तमान में आए। स्वयं को अपने सब हिस्सों के साथ आईने के सामने खड़ा देखें और महसूस करें, फील दैट आप अपने जीवन की समृद्धि और परिपूर्णता को देख रहे हैं। निश्चित रूप से, सर्टेनली आपके जीवन में मुश्किल समय था, दुखद समय था, शर्मनाक समय था और उलझन भरा समय भी था, लेकिन कोई बात नहीं। ये सब जीवन के अंग हैं। These all are part of life। अपने सारे हिस्सों को प्यार करें, प्यार करें, प्यार करें। अब पीछे मुड़ें और जब आप आगे देखें तो आपके सामने एक व्यक्ति को बाहें फैलाए देखें जो कह रहा है,
मैं तुम्हारा भविष्य हूँ और तुम्हें प्रेम करने आया हूँ। आई एम योर फ्यूचर। आपका खूबसूरत भविष्य आपसे प्रेम करने आया है। जीवन अपने आप को प्रेम करने का एक असीमित अवसर है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अपने हर एक हिस्से को प्रेम करना और स्वीकार करना ही उपचार है, यही हीलिंग है। यदि आप अपने किसी भी हिस्से को अस्वीकार करते हैं, चाहते हैं कि वो जिंदगी से निकल जाए, तो आप परिपूर्ण या स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? हीलिंग का मतलब है अपने आप को फिर से पूर्ण बनाना, अपने सारे हिस्सों को, अंगों को प्यार करना, जोड़े रखना। स्वयं को प्रेम करें, अपने हर हिस्से को प्रेम करें और पूर्ण बने, क्योंकि सब ठीक है। ऐसा ही है, सब ठीक है।